सांसद जी, हरीश रावत जी भादरावा थाने में बैठे हुए योग कर रहे हैं लगातार, रात भर पूरी वहीं बिताई, धरना दे रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं आज प्रेस क्लब ने जो दीपावली का ये महाउत्सव मनाया है, मैं सभी पत्रकार मित्रों को और पत्रकार मित्रों के साथ सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को मैं बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। ये ऐसा पर्व है जब ये रोशनी का है, ये दीपों का है, ये अंधेरे को मिटाने का है। तो मुझे लगता है कि हमारी सनातनी संस्कृति में जिसमें हमारा देश विश्व गुरु रहा है, ये इन्हीं परंपराओं को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। आपने जहाँ तक कहा है कि हरीश रावत जी योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं तो वो हमारे बड़े भाई हैं, वो जो भी करते हैं वो उसमें कोई ना कोई संरचना होती है। अब वो थाने में आपने कहा कि योग कर रहे हैं, और अभी कोई बता रहा था कि थाने में योग है, लेकिन देखिए ना, वो कहीं भी हैं लेकिन योग कर रहे हैं, रात में भी थाने में योग कर रहे हैं, बड़ी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, थाने के बाहर पूरी रात सेनाओं को पड़ रहा है, किस तरह की स्थिति है? हाँ, वो कुछ बिंदुओं को लेकर के शायद बैठे हैं, तो वो बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का काम करना मुख्यमंत्री के लिए कैसे शोभनीय है? नहीं, देखिए अब ये उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो मेरे बड़े भाई, में उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी का आदर्श पार्टी है, उनके